अस्सलाम वालेकुम, एसएम न्यूज़ के साथ मैं हूं मुकद्दर रजा। एसएम न्यूज़ स्टूडियो में खुश आमदीद। खबरों का सिलसिला बढ़ाते हुए हम शाम करते हैं कराची से। कराची में वाकया गुलबाई पुल के करीब फायरिंग से गैर मुल्की बाशिंदा ड्राइवर समेत जख्मी हो गया। दोनों जख्मियों को सिविल हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है, जहाँ इन्हें तिब्बी अमदाद दी जा रही है। इसी हवाले से मजीद रिपोर्ट कर रहे हैं एसएम न्यूज़ के ब्यूरो चीफ जुल्फकार अली। जी जुल्फकार, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल मुकद्दर भाई, कराची का ज़िला कैमाड़ी का इलाका है गुलबाई, जहां पर यह फायरिंग का वाकया पेश आया। पुलिस ज़राए का बताना है कि गुलबाई पुल के नीचे मोटरसाइकिल सवार अफराद ने गाड़ी पर फायरिंग की। जख्मी होने वाला गैर मुल्की बाशिंदा है, जिसे गोलियां लगी हैं। डीआईजी साउथ जवेद अकबर के मुताबिक गाड़ी पर फायरिंग किस तरफ से की गई ये वाजह नहीं हुआ। गाड़ी पर दो गोलियां लगी हैं, जिसमें दो अफराद सवार थे। एसएसपी कैमाड़ी फिदा हुसैन जानवरी का कहना है कि इतलात के मुताबिक दो अफराद जख्मी हुए, ताहम जख्मियों की हालत खतरे से बाहर है। उन्होंने ये भी बताया कि कार में एक चीनी बाशिंदा और उसका ड्राइवर मौजूद था। मजीद तफसीलात हासिल कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया जुल्फकार तफसीलात से आगाह करने के लिए। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए एसएम न्यूज़।